क्योंकि मानसून चल रहा है और मानसून में हम कैसे बचें वायरल इन्फेक्शन से जो कि अधिकतर हो जाता है। तो जब मौसम बदलता है, कभी तेज धूप होती है, कभी बारिश की वजह से वातावरण में नमी बनी रहती है, तो मौसम में हो रहे यही परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं, जो हमारे बीमार होने का कारण बन जाते हैं। और मानसून का मौसम आते ही ये वायरल बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सखियों, कुछ सावधानियां हैं जो अगर हम रखें तो हम इस प्रकार के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें ये सावधानी रखनी है कि हाथ धोने की आदत हमें डाल लेनी है, और दूसरी सावधानी में हमें स्ट्रीट फूड से बचना है। बाहर का खाना बहुत ज्यादा, अगर जरूरत ही पड़ जाए, कोई घर का खाना हम खा ही नहीं पाए, किसी भी कारण से बाहर गए हों, तब भी खाएं, और तब भी हम सोच समझ के खाएं अच्छे से। और विटामिन सी का हमें ऐसे मौसम में सेवन करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और मच्छरों से बचाव के सभी तरीके हमें कर लेने चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और खुद को सूखा रखना चाहिए। फंगल संक्रमण से बचने के लिए हमें हमारे पैरों की उचित देखभाल तो सखियों करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत होता है। इस मौसम में हमें चाहिए कि हम ढीले सूती कपड़े ही पहने ताकि पसीना तेजी से निकल सके, और तौलिया हमें साफ रखना चाहिए।